देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजन एंड कंटेनिंग द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 2 2 एंड 2 3 माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ये एक प्लेन है, ये टू लाइंस को कंटेनिंग टू लाइंस, ठीक है, और इनकी डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है 1 माइनस 2 2 एंड 2 3 माइनस 1। अब प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियो है इसके नॉर्मल के अलोंग होती है, नॉर्मल के लॉन्ग है तो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, और इसकी हम नॉर्मल जो है प्लेन है इसकी डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं ए बी सी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए माइनस टू बी प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो एंड टू ए प्लस थ्री बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए अपॉन यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस ओ बी अपॉन 3 प्लस 4 इज इक्वल टू सी अपॉन ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 सॉरी बी की जगह क्या आएगा माइनस 1 माइनस 4 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 4। ठीक है, तो देखो a अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू सी अपॉन 7, ये से कैंसिल आउट, तो नो जो प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया माइनस 4 5 7। ठीक है, और ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या आ जाएगी x माइनस 0 a इंटू x माइनस 0 माइनस 4 प्लस 5 इंटू y माइनस 0 प्लस 7 इंटू z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गई माइनस 4x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 5y माइनस 7z इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, 4x माइनस 5y माइनस 7z इज इक्वल टू d ऑप्शन इज करेक्ट। ओके।